कुछ लोगों को मुकद्दस गाय समझा गया है। क्या वजह है मैडम कि साकिब निसार को और उसके बेटे को गिरफ्तार नहीं किया जाता? क्या वजह है, क्यों साकिब निसार और उसका बेटा गिरफ्तार नहीं हो सकते? जब वो ऑडियो रिकॉर्डिंग आई जिसको साकिब निसार ओन भी कर रहा है, बोल रहे हां मैंने पीटीआई की टिकटें मैं दिलवा रहा हूं, कौन सी बड़ी बात, मैं प्राइवेट आदमी हूं। ओ भाई, तुम उस वक्त प्राइवेट आदमी नहीं थे जब तुम एक अदालत के एक आला तरीन ओहदे पे फाइज थे, और अदालत के उस आला तरीन ओहदे पे जब तुम फाइज थे तब तुमने एक जमात को आउट ऑफ दी वे फेवर्स दिए हैं, और वो पाकिस्तान की तारीख में के सियाह तरीन फैसले हैं जो साकिब निसार ने किए, और अनफॉर्चुनेटली वही तारीख दोबारा भी दोहराई जा रही है। तो फिर जो शख्स पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को बिल्डोज कर रहा है, और उसकी अपनी करप्शन की स्टोरियां शुरू हो गई कि वो करोड़ों रुपए के एवज पॉलिटिकल पार्टी की टिकटें बेच रहा है, तो क्या ऐसे शख्स को, क्या ऐसे शख्स को जेल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे शख्स को जेल में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सारी जिंदगी होना चाहिए, ये पूरी असेंबली कह रही है। आप भी कह रहे जेल में होना चाहिए, नंद साहब आप भी कह रहे जेल में होना चाहिए, तो सारी पार्टियां कह रही है कि ऐसा शख्स जो टिकटें बेच रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टी की टिकटें बेच रहा है, और जो साबिक चीफ जस्टिस था, उसको ये फेवर्स क्यों दिए जा रहे हैं? ये कौन से एहसान एक दूसरे को उतारे जा रहे हैं, कौन से फेवर्स दिए जा रहे हैं? आपको या हमको तो नहीं, जो हम लोग पीछे कैसा नहीं है, हमें तो कोई टिकट नहीं दे रहा बांटने के लिए, साकिब निसार को क्यों दी जा रही है टिकटें बांटने के लिए? तो जब पूरा ऐवान बोल रहा है, जीडीए बैठी हुई, एमक्यूएम बैठी हुई, पीपुल्स पार्टी में सब बोल रहे हैं, ऐसे शख्स को जेल के पीछे होना चाहिए, तो क्यों नहीं होना चाहिए? ये जतो साहब भी खड़े ये भी बोल रहे हैं, तो ऐसे शख्स को क्यों नहीं जेल के पीछे होना चाहिए, सलाखों के पीछे होना चाहिए? मैडम ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, मैडम ये डबल स्टैंडर्ड पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए। एक मुल्क में एक कानून होना चाहिए, किसी को इख्तियार नहीं है कि कानून को बुलडोज करे, किसी को इख्तियार नहीं है आइन को बुलडोज करे, लेकिन जिन जिन लोगों को आपने उसी कानून के तहत, उसी प्रोसीजर के तहत दो दो चार चार साल जेलों में रखा, आज भी आपके और हमारे स्पीकर जेल में है, और उनके फिर वक्त का कौन हिसाब देगा? जो आपने उनको तकालीफ ये दी, जो आपने उनके मीडिया ट्रायल किए इसी कानून के तहत, उसका हिसाब कौन देगा? उस शख्स को, इमरान नाजी को फॉरेन फंडिंग में जो मनी लॉन्ड्रिंग है उस पर भी माफी है, बीआरटी की करप्शन में भी माफी है, इमरान नाजी को जो उससे घटिया हरकतें वो कर रहा है इस वक्त, गिरी हुई हरकतें कर रहा है, कि हमारे मुल्क के अहम इदारों के सरबराहों के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा, मुनाफकी वाले प्रोपेगेंडा, और जिस तरीके के सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ मुहिमें चला रहा है इमरान नियाजी, मैं कहता हूं डूब मरने का मुकाम है। मैडम ये मुहिमें पाकिस्तान से नहीं चल रही हैं, ये मुहिमें गैर मुल्की जो दुश्मन ममालिक है पाकिस्तान के, उनके तावन से चल रही हैं। और चाहता क्या इमरान खान, अभी तक वो 50 तो पाकिस्तान के लोगों के नाम दे चुका है कि जी मुझे इससे भी खतरा है, मुझे उससे भी खतरा है, मुझे इससे भी खतरा है, पूरे पाकिस्तान से उसको खतरा है, ताकि कल को कुछ हो जाए, खुदा ना खतरा ला करे उसको, बड़ी अल्लाह ताला जिंदगी दे, कुछ हो जाए तो सबको ये नॉमिनेट करके जाए कि मुझे इससे भी खतरा है, मुझे उससे भी खतरा है। और वजह क्या है मैडम, वजह क्या है किसी ऑफिसर को मुतराजा बनाने का? एक अच्छा प्रोफेशनल ऑफिसर जिसका पूरा करियर में कोई भी एक भी उस पर कोई इल्जाम ना लगाओ, उसको जिस तरीके से मुतनाजा बना रहा है इमरान खान, उसका मकसद यह है क्योंकि वो चाहता है कि उसको जो 2018 में उन्हीं कुर्सियों पे जो उसको मराते मिलती थी इमरान खान को, आज भी वही मिले। उसको यस मैन चाहिए, उसको जाति उसके इशारों पे नाचने वाले लोग चाहिए पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो किसी और इदारे में हो। इमरान खान वो लोग चाहता है जो उसको जितवाए, जो उसको गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर इक्तदार में लेकर आए, क्योंकि आपको भी याद होगा कि इमरान खान ने कहा कि इदारों को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, उसकी वजह क्या थी? वो चाहता था कि इदारे उसके प्रेशर में आके उसकी गैर आईनी गैर कानूनी हिमायत करें, इदारों को ब्लैकमेल कर रहा है वो, जिस तरह 2018 में
नाजायज तरीके से नाजायज वजीर आजम था, वो दोबारा नाजायज वजीर आजम बनने की ख्वाहिश रखता है इंशाअल्लाह ताला। तो इस वक्त वो दोबारा उस तरीके के ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, वो हमारे मुल्क के अहम इदारों के सरबराहों के खिलाफ साजिश सिर्फ इसलिए कर रहा है, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम मेरे कहने पे नहीं चलोगे, अगर तुम मुझे नाजायज तरीके से इकतदार में नहीं लाओगे तो मैं तुम लोगों को कॉन्ट्रोवर्शियल करूंगा, तुम लोगों के खिलाफ मुहिमें चलाऊंगा, तुम लोगों पर बोहतान तराशा करूंगा, तुम लोगों के खिलाफ इल्जाम तराशा करूंगा। आज भी मैंने इसकी वीडियो देख रहा था, मुझ पर दो हमले हुए, मुझ पर दो हमले हुए। मैडम ये वाहिद हमला था, मैं हमले की कहानियां बताऊं, ये वाहिद हमला था जिसमें इमरान खान ने कहा कि मुझे चार गोलियां लगी, इमरान खान के एक डॉक्टर ने कहा उसको एक गोली लगी, दूसरे डॉक्टर ने कहा दो गोलियां लगी, कभी लेफ्ट टांग पे गोली लगी तो राइट का बैंडेज लगा हुआ था, कभी राइट में लगी तो लेफ्ट का बैंडेज लगा हुआ था, पता उनको भी नहीं था कि कौन सी लगी कि नहीं लगी। और वो कहता था मेरे गवर्नर को चार गोलियां लगी, कपड़ों से गुजर के चली गई। ये सारे आयरन मैन, ये ही मैन, ये सुपरमैन पता नहीं कहां से आ रहे, कोई गोलियां नहीं लगी। मतलब कि ये पूरा टोपी ड्रामा था, सारे झूठे झूठे वाकयात थे, अपने आप को सिंपैथी गेन करने के लिए, अपने आप के लिए झूठे किस्म के एक माहौल बनाने के लिए, और फिर अपने मुखालफिन पे, मुखालफिन भी इस तरह के मुखालफिन, पॉलिटिकल मुखालफिन पे भी इसने इल्जाम लगाया। फिर उन अफसरान को उसने निशाना बनाया कि जो अफसरान चाह रहे हैं कि हम न्यूट्रल रहें, जो इदारे चाह रहे हैं कि हम न्यूट्रल रहें, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जबरदस्ती उनको सियासत में घसीटने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसकी इसका माजी, इसकी सियासी पैदाइश और इसकी पूरी सियासत वो इशारों पे और उंगलियों पे नाचते हुए नजर आई है, वो एम्पायर की उंगलियों पे चलते हुए नजर आई है, और आज भी चाहता है कि तमाम एम्पायर इसकी उंगलियों पे नाचें और मुल्क के तमाम इदारे इसके मातहत होके इसके लिए राह हमवार करें, जो कि हम किसी सूरत में होने नहीं देंगे। ये ब्लैकमेलिंग, ये झूठे प्रोपेगेंडा, ये बदमाशी, ये अनार्की, ये लड़ाई, ये झगड़े, ये फसाद, ये सियासत हम सब मिलकर खत्म करेंगे। और इस तरह के लोग जो फिर मैं कहूंगा कि जो लोग इस असेंबली में बैठे हैं वो सब लोग वो थे जिनको रातों रात पता नहीं था कि हम एमपीए बनेंगे भी सही, हम जीतेंगे भी सही, लेकिन 2018 में एक जादू टोना आया, जो हमारे एमक्यूएम के दोस्त थे उनका मैंडेट चोरी किया गया और पीटीआई को जबरदस्ती वो मैंडेट दिया गया। आज वो जो सियासी यतीम यहां पे बैठे थे वो इसलिए नारे लगा रहे थे कि चीफ जस्टिस कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि इनके इनके पास आखिरी सहारा वही है, इकदार में आने का इनके पास आखिरी सहारा यही है कि कोई ना कोई कुवत आए, कोई ना कोई ताकत आए, जो या तो जोर जबरदस्ती के तौर पर या इमोशनल ब्लैकमेलिंग के तौर पर या किसी दबाव के तौर पर इनको इकदार मिलाए, जो कि हम सब ने इसको नाकाम करना है। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर तलासिन शर्जीन इनाम मेमन सिंध असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे थे, उनका कहना था कि ये मुल्क को एनआरकी की तरफ लेकर जा रहे हैं, जब मुल्क में एक शख्स के लिए कानून मुख्तलिफ और दूसरों के लिए मुख्तलिफ हो तो मुल्क में इंतशार बढ़ेगा। इमरान न्याजी को फॉरन फंडिंग बीआरटी में भी माफी है, इमरान न्याजी हमारे इदारों के हम लोगों के खिलाफ मुहिम में मुलविस है, ये मुहिम बैरूनी ताकतों की इमा पर चलाई जा रही है। यहां आपको खबर दें, एटीसी जज ने इमरान खान की तमाम सात मुकदमात में दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है। अहम खबर से आपको आगाह करें कि एटीसी जज ने इमरान खान की तमाम सात मुकदमात में दरखास्त जमानत